और फिर हमारे सामने तेलुगु देशम बीजेपी भी है। नायडू आ रहे साइकिल पे, साइकिल पे बैठ के मोदी को फारक पे बिठा लेके और मोदी बोल रहे ठहरो नायडू साहब एक सेल्फी ले लेंगे। क्या बात है मिस्टर नायडू एंड मिस्टर मोदी इन ए सेल्फी। बोल रहे मित्रों दे दो हमको वोट, भारत को ऐसा करना है। किसान खुदकुशी कर रहे रूस में बैठे हुए, हैदराबाद को आएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमको बता रहे, हमको बोल रहे मजलिस बहुत आगे बढ़ गई। इंशाअल्लाह ताला हम जिंदा नहीं रहेंगे, याद रखो मेरी इस बात को। मैं नहीं रहूंगा, अकबर नहीं रहेंगे, बलाला नहीं रहेंगे, पाशा कादरी नहीं रहेंगे, मुमताज खान नहीं रहेंगे, सब एक न एक दिन इस जमीन की गिजा बनेंगे। मगर हम जो काम कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमारी जिंदगियों में फायदा नहीं हुआ कौम और मिल्लत को, तो आने वाली नस्ल तो जरूर फायदा उठाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मुसलमान और दलित के सिर्फ उनके वोटों से 35 से 40 एमपी जीत कर आ जाएंगे तो हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा। आज हिंदुस्तान को जरूरत है दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद की, और जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इस बात को फैलाएंगे, हम अपनी जमात को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आज बिहार में कामयाब नहीं हुआ, कल होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आज सीमांचल में हमने आवाज दी, कल अल्लाह हमको कामयाब करेगा 2020 में, देख लेंगे। बेंगलुरु में नहीं हुआ तो असेंबली इलेक्शन में होंगे, असेंबली इलेक्शन में देखेंगे रोशन, कितना रोशन रहेंगे तुम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये जमहूरियत है और जमहूरियत में लड़ना हमको आ गया,